लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई मनपा मुख्यालय पर छत्रपति संभाजी महाराज का नाम दिए जाने की मांग ने राजनीति गर्मा दी है। बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे की मांग पर मनसे के शहर अध्यक्ष गजानन काले ने तीखी टिप्पणी करते हुए इसे स्वराज्य संस्थाओं पर नामकरण की नई परंपरा चलाने की राजनीति करार दिया है। आज इस पर बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष दत्ता गंगाले ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने पुणे, अकोला, रत्नागिरी समेत कई मनपा और जिला परिषद इमारतों की तस्वीर दिखाई जिन पर नेताओं और विशिष्ट व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। दत्ता गंगाले ने कहा कि मंदा मात्रे पर नामकरण की राजनीति करने का आरोप लगाकर इतिहास पूछने वाले गजानन काले को पहले खुद इतिहास पढ़ना चाहिए, फिर बड़े नेता पर टिप्पणी करनी चाहिए। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे ने नवी मुंबई मनपा मुख्यालय को छत्रपति संभाजी राजे महाराज का नाम देने की मांग की है। हालांकि एयरपोर्ट नामांतरण आंदोलन के बीच की गई इस मांग को मनसे नेता गजानन काले ने स्वराज संस्थाओं पर नामकरण की नई परंपरा चलाने की राजनीति करार दिया। आज बीजेपी की ओर से युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष दत्ता गंगाले ने तीखा पलटवार किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दत्ता गंगाले ने तस्वीर दिखाते हुए कहा कि पुणे, अकोला, रत्नागिरी समेत कई मनपा और जिला परिषद इमारतों पर नेताओं और विशिष्ट व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, इसलिए नवी मुंबई मनपा मुख्यालय पर नाम देने की मांग गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि मंदा मात्रे से इतिहास पूछने वाले मनसे नेता गजानन काले को पहले खुद इतिहास पढ़ना चाहिए, फिर बड़े नेताओं पर टिप्पणी करनी चाहिए। बेलापुर विधानसभा की विधायिका आदरणीय मंदाताई मात्रे जी ने नवी मुंबई महानगर पालिका की जो मुख्य इमारत है उस बिल्डिंग को छत्रपति संभाजी महाराज ऐसा नाम देने की मांग रखी है। इस मांग को लेकर मनसे के शहर अध्यक्ष गजानन काले उन्होंने कुछ इसके ऊपर सवाल उठाए हैं कि महाराष्ट्र में या देश में ऐसी कोई प्रथा नहीं है कि राज साहब कभी भी पेपर लेके बात करते हैं। आज यही पेपर हम उनके सामने रखते हैं। अहमदनगर महानगर पालिका की जो मुख्यालय बिल्डिंग है उसका नाम है हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे भवन। आप अकोला महानगर पालिका की बात करेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज चुनावी तौर पे जो चुन के बॉडी इस पे काम करती है और उनके प्रस्ताव से ये नाम दिए जाते हैं। ये स्वाभाविक रूप से ये प्रस्ताव होता है और ये नगर विकास यूडी डिपार्टमेंट में जाके उसको मान्यता अंतिमता मोहर लग जाती है। असल में मनसे नेता गजानन काले ने कहा था कि यदि बीजेपी विधायक संभाजी राजे का इतिहास बता दें तो वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस पर भी दत्ता गंगाले ने जोरदार पलटवार किया। युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष ने कहा कि जिस व्यक्ति को नवी मुंबई की जनता नहीं पूछ रही है उसके चुनाव लड़ने या नहीं लड़ने से क्या फर्क पड़ने वाला है। दत्ता गंगाले ने यह भी सवाल उठाया कि एयरपोर्ट आंदोलन में जबकि मनसे विधायक राजू पाटिल मौजूद थे तब नवी मुंबई के गजानन काले कहाँ थे, तब उन्हें नवी मुंबई के प्रकल्पग्रस्तों की चिंता क्यों नहीं हुई। आइए सुनाते हैं दत्ता गंगाले ने और क्या कुछ कहा। मनसे के गजानन काले का ये कहना है कि यहाँ की विधायिका आमदार मंदाताई मात्रे छत्रपति शिवाजी संभाजी महाराज के ऊपर 10 बात बोल के दिखाए तो मैं अगली राजनीति, अगला चुनाव लड़ूंगा नहीं। अरे इनको चुनाव लड़ने के लिए किसने न्योता दिया है क्या? नवी मुंबई महानगर पालिका के अंदर की जो बेलापुर विधानसभा है, ऐरोली विधानसभा है, इधर के नागरिकों को इन्होंने क्या कोई जाके इनके पास खड़ा रहा है? अरे आप लड़ो लड़ो लड़ो, इनको खुद को ही इतनी जल्दी क्यों है कि मैं लड़ूंगा नहीं? तुम्हारे वजह से, तुम्हारे लड़ने न लड़ने से नवी मुंबई के जनता को कोई फर्क गिरने वाला नहीं है। मैं उनको पूछना चाहता हूँ, जब हमारे यहाँ के भूमिपुत्र आगरी कोली जब रास्ते पे उतर रहे थे, मानवी साखड़ी आंदोलन थे, यलगार मोर्चा यहाँ पे था, तब बतौर ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शहर अध्यक्ष के तौर पे ये इस आंदोलन में कहाँ दिखे? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के यहाँ के जो स्थानिक पदाधिकारी है, जो भूमिपुत्र है, वो मनसे के MLA राजू पाटिल साहब रहेंगे और जो 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 मनसे में काम करने वाले यहाँ के स्थानिक पदाधिकारी है वो सब आंदोलन में दिखे। लेकिन इस ये मनसे के जो शहर अध्यक्ष कहते हैं उसका डंका लेके चलते हैं तो ये भूमिपुत्र के इस आंदोलन से कहाँ गायब थे?
इनको क्यों आने से किसने रोका था, इसके पीछे की क्या राजनीति है, इसके लिए नई मुंबई की जनता इनका नई मुंबई प्रेम जानती है। इन्होंने मैं ये अपनी कद देखे, उन्होंने बोलना चाहिए अपनी कद क्या है और वो क्या बोल रहे हैं। मैं इस घटना की, उनके वक्तव्य की यहाँ निंदा करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।